रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। महागठबंधन में राजद को साधना बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा हो गया है। महागठबंधन के तीन छोटे दल यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, मुकेश सहनी की बीआईपी और जीतन राम मांझी की हम, ये तीनों मिलकर कई बैठकें कर चुकी हैं, मगर राजद को साधने में इन्हें सफलता नहीं मिल रही है। राजद उस बिल्ली की तरह हो गया है जिसके गले में घंटी बांधना इन तीनों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इन्होंने पहले तो कांग्रेस से प्रयास किया कि वो बीच में आकर कहीं बीच बचाव करे और इस महागठबंधन को बचाने का प्रयास करे। फिर रघुवंश प्रसाद का नाम सुझाया गया, फिर बात की गई कि शरद यादव को लाया जाए क्योंकि वो सीनियर मोस्ट चेहरा है, मगर इन सभी प्लान्स के फेल होने के बाद अब अल्टीमेटम दे दिया है इन तीनों दलों ने कि मार्च के बाद ये बड़ा डिसीजन ले लेंगे। अब बड़ी बात यह है कि जब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है, मार्च के बाद बड़ा डिसीजन लेने की बात कही जा रही है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि राजद के लिए ये डिसीजन कैसा है। तो बता दें आपको कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लालू यादव से लगातार मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं इन सभी मुद्दों पर, वहीं राजद के भाई वीरेंद्र और जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि इन तीनों दलों की महागठबंधन में आवश्यकता नहीं है। जगदानंद सिंह ने पहले ही हवाला ये दे दिया है कि अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और चेहरा और समन्वय की बात अगर है तो उसके लिए लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ा चेहरा है और उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है और जिन्हें यह पसंद नहीं है वो महागठबंधन छोड़ सकते हैं। इसके अलावा सीएम कैंडिडेट को लेकर जो लगातार प्रयास चल रहा था कि राजद ने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी कि हमारा सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे और महागठबंधन का चेहरा भी वही होंगे, इस पर जिन्हें भी ऐतराज है वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं और महागठबंधन से अलग हो सकते हैं, मगर इसके बावजूद इन पार्टियों ने महागठबंधन में अभी तक अपनी निष्ठा दिखाई थी। मगर कहा जा रहा है कि आने वाला चुनाव बड़ा नजदीक है, इन चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियों की अपनी डिमांड्स हैं और इन डिमांड्स को रखने के लिए लालू प्रसाद यादव तक बार बार पहुंच पाना संभव नहीं हो रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव इनकम्युनिकेटिव हैं तो ये पार्टियां चाहती हैं कि कोई ऐसा चेहरा हो, एक ऐसी कमेटी हो जिसके सामने अपने प्रस्ताव रखे जा सके। बसरते सभी पार्टियों में लगभग एक एक चेहरा है जो कि सीएम कैंडिडेट के तौर पर सामने लाया जा रहा है, तो कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। वैसे ही सीटों के समीकरण को लेकर भी ये सारी पार्टियां एक कमेटी चाहती हैं जो कि डिसाइड करे कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। अब इन सभी मुद्दों पर अल्टीमेटम देने के बाद मांझी के और उपेंद्र कुशवाहा के और मुकेश सहनी के भाई वीरेंद्र ने हमला बोल दिया है। भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कह दिया है कि मांझी कहीं और से गाइड हो रहे हैं, उनका इशारा शायद भाजपा की तरफ था और यह भी कहना था क्योंकि मांझी जी ने शुरू में यह बात कह दी थी प्रेशर करने के दौरान उपचुनाव में कि हमारे विकल्प खुले हैं, हम अपने विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं। विकल्प सीधा है, बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो भाजपा जो एनडीए गठबंधन है जिसके पूर्व में वो पार्ट रह चुके हैं, मुकेश सहनी भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं कुशवाहा भी रह चुके हैं, तो ये तीनों अपने विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं अपने समाज को प्रतिनिधित्व और सीटें दिलाने के लिए। ऐसे में भाई वीरेंद्र ने सीधे तौर पर हमला कर दिया है और ये कह दिया है कि ये सीटों के समझौते के लिए हो या जिस कारण से हो, ये पार्टियां कहीं और से गाइड हो रही हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मांझी जी परिपक्व नेता है, जिस तरीके से वो बातें रख रहे हैं और जिस और से उससे जो अपरिपक्वता झलक रही है ये उचित नहीं है महागठबंधन के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि मांझी जी बीच बीच में आकर कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से हमारे लिए भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है महागठबंधन में बने रहना। इसके अलावा भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा है कि सीटों का समझौता लालू प्रसाद यादव करेंगे, उनके अलावा कोई और शख्स इसके लिए निर्धारित नहीं हो सकता है। बड़ी बात यह है कि इस पर अब जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी हमला कर दिया है और उन्हें साफ तौर कह दिया है कि तेजस्वी यादव से तीन गुना ज्यादा उम्र और राजनीतिक अनुभव है जीतन राम मांझी की, उन्हें कोई गाइड नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि बिहार की राजनीति से जिस तरह से तेजस्वी यादव दूर होते जा रहे हैं, चाहे चमकी बुखार हो, बिहार में बाढ़ आना हो या चुनाव हारने के बाद बिहार से गायब हो जाना, एक बात स्पष्ट है कि तेजस्वी भी कहीं और से गाइड हो रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब वाक युद्ध शुरू हो गया है। कहा जाता है कि जब परिवार में कलह होता है तो पड़ोसियों को बड़ा मजा आता है। एनडीए में सारा गणित बन चुका है, सीटों का सही गणित लगभग बन चुका है, एनडीए में जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें भी जिम्मेवारियां दी जा चुकी हैं। ऐसे में एनडीए और खासतौर पर बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार के लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी क्योंकि सामने महागठबंधन काफी कमजोर होता जा रहा है और वाक युद्धों को अगर देखें तो एक दूसरे पर जिस तरह से छींटाकशी की जा रही है, आने वाले समय में महागठबंधन कमजोर तो बिल्कुल ही होगा। ये भी स्पष्ट लग रहा है कि अगर राजद होगी तो ये तीन दल नहीं होंगे और ये तीन दल होंगे तो राजद नहीं होगी। बने न्यूज बिहार पर, खबर लगातार जारी रहेंगी। इसी तरह से खबरें प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइएगा तो मुफ्त में जहां रहिएगा खबर आपको मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।